अगर आप मेरे इस चैनल पे न्यू हो तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो हम आ चुके हैं अपने किचन में और ये है कुछ बेसिक मैगी, बिकॉज आज हम बना रहे हैं चीज़ मैगी विद पनीर। और ये रहा टमाटोस, देख सकते हो मैंने इसे भी रफली चॉप किया है, मैंने एक टमाटो लिया है। एंड ये है कुछ बेसिक ऑनियंस, ये भी मैंने रफली चॉप किया है। और ये है शिमला मिर्ची, इसे इंग्लिश में कैप्सिकम भी कहते हैं, ये मैंने एक ही लिया है। एंड ये हमारी मैगी, आप देख सकते हो ये 10 रुपीज़ वाली है, आप अपने खाने के हिसाब से बड़ा या छोटा साइज ले सकते हो। और ये है अमूल बटर, आपको पता ही होगा। अभी हम लेंगे एक पैन, उसमें डालेंगे थोड़ा सा सनफ्लावर ऑयल, उसके बाद एक प्यारा से बटर का छोटा सा स्लाइस, आप देख सकते हो मैंने स्लाइस डाला और ये बटर मेल्ट होना शुरू हो गया है। जैसे जैसे ये मेल्ट हो रहा है देखो कितने पॉपअप्स आ रहे हैं, एंड आप देख सकते हो ये अच्छे से मेल्ट हो गया है, फिर भी हमने चेक कर लिया है एंड ये अच्छे से मेल्ट हो चुका है। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। जैसे ये मटर मेल्ट हो जाएगा उसके बाद हम थोड़ा सा ऑनियन डालेंगे, आप देख सकते हो जो मैंने चॉप किया था। और आपको पता ही है कि ऑनियन जब तक अच्छे से कुक ना हो तब तक हम उसे अच्छे से स्टर करते हैं। और जैसे मैंने पहले भी कहा था अपने पुराने वीडियो में, जैसे ही इसका कुछ कलर चेंज होता है वैसे ही हम उसके बाद कुछ अलग से वेजी डालेंगे। पहले तो इसको हम अच्छे से करेंगे कुक, और ये कुक होके कुछ इस तरह दिखेगा, हल्का हल्का से रेड होने लग जाएगा। जब एक बार ये रेड होने लग जाएगा तो इसमें हम डालेंगे टमाटो, ये टमाटो हम जो हमने चॉप किया था वो हमने टमाटो डाल दिया है। एक बार ये टमाटो डाल देंगे तो इसको भी अच्छे से ऑनियन के साथ मिक्स करेंगे, जो बटर का जो फ्लेवर है ये दोनों में अच्छे से आ जाए। एंड आप जान सकते हो कि टमाटो में थोड़े पानी हो जाए तो थोड़ा कुक होने को टाइम भी लेगा, एंड वो अच्छे से जब गल जाएगा ऑनियन के साथ तो कुछ इस तरह से दिखेगा। आप देख सकते हो ये जो ऑनियन है और ये टमाटो है एक दूसरे में कितने अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। एक बार ये दोनों अच्छे से कुक हो जाए तो उसके बाद हम डालेंगे थोड़ी सी शिमला मिर्ची जो हमने रफली चॉप की है, आप देख सकते हो ये मैंने डाल दी शिमला मिर्ची, शिमला मिर्ची डाल दी अच्छे से, उसे भी मैंने अच्छी तरह से स्टर करेंगे उसको भी। जो शिमला मिर्ची है आपको भी पहले भी कहा था, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि इसे कुक होने को काफ़ी टाइम लगता है गाइस, सो हम उसे एकदम बेहतरीन तरीके से कुक करेंगे। जो भी फ्लेवर्स है अपना बटर का, टमाटो का और ये शिमला मिर्ची का एक दूसरे में अच्छी तरह से आ जाना चाहिए। और एक बार एकदम अच्छी तरह से जब आ जाएगा तो कुछ इस तरह से दिखेगा, आप देख सकते हो सारी जो वेजीज है, सारी जो ऑनियन है और जो टमाटो है वो अच्छे से कुक हो जाए तो उसके बाद हम थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे, बेसिक सॉल्ट। तो एक बार ये सॉल्ट भी डालने का तो हम लोग अच्छे से उसे स्टर करेंगे। ये सारी चीज़ें कुक होना काफ़ी ज़रूरी है, इससे टेस्ट निखर के आता है और खाने को भी बहुत मज़ा आता है। आपने कभी देखी नहीं होगी ऐसी टाइप की मैगी, बिकॉज हम सबको पता है हम एकदम नॉर्मल मैगी बनाते हैं, बट इस तरीके से ट्राई कीजिए गाइस तो अपने को कुछ नया और इनोवेटिव खाने को मिलता है और इसका जो टेस्ट रहता है वो भी यूनिक होता है। और आप ऐसा मैगी आपको शायद बाहर ना मिले, बिकॉज ये काफ़ी हेल्दी है। इसमें आप देख सकते हो वेजीज डाला, ऑनियन डाले, फिर टमाटो डाले। एक बार ये सब हो जाए तो हम इसमें अदरक और जिंजर का पेस्ट डालेंगे, जो हम पहले भी हमने ये यूज़ किया है तो हम वो अभी भी डाल रहे हैं, सेम ही है। आप एक स्पून डाल सकते हो या 2 स्पून डाल सकते हो अपने टेस्ट के हिसाब से। और अभी जो स्मेल आ रही है वो टमाटो, कैप्सिकम, ऑनियन एंड उसके बाद जो अदरक का पेस्ट है, और ये कुछ है सब्जी मसाला। आई नो दैट ये जस्ट फॉर टेस्ट डाल रहे हैं, इसमें क्या है कि कुछ 4 या 5 मसाले का मिक्सचर होता है तो इसलिए मैंने डाला है, क्योंकि जो मैगी में है वो सारे अच्छे फ्लेवर आ जाए। और वैसे मैं बता दूँ मैंने अभी तक मैगी ओपन भी नहीं की है, और अभी मैं डाल रहा हूँ ये शेजवान चटनी, ये मैंने एक नॉर्मल दुकान से मंगाई है। आप चाहो तो अपने हिसाब से अपना ब्रांड मंगा के डाल सकते हो, ये एकदम बेसिक ब्रांड है और ये थोड़ा स्पाइसी कम है, तो आप चाहिए तो आप स्पाइसी डाल सकते हो, तो वो हिसाब से आप डाल सकते हो। जैसे आप शेजवान डालोगे उसके अंदर जो मिक्स है हमारा, उसके बाद उसे अच्छे से स्टर करोगे, जो शेजवान का फ्लेवर है वो हर एक वेजीज में आ जाना चाहिए।
आप देख सकते हो। और मैंने इसमें थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड किया है गाइस, मैं काफ़ी बड़ा वीडियो नहीं बनाना चाहता था, लेकिन आप एक बार ये पूरी रेसिपी देखोगे तो एंड में आपके लिए मैंने एक सरप्राइज भी रखा है, तो आप चलते रहिए। आप देख सकते हो कैसे मैंने शेजवान डालने के बाद जो वेजीज है थोड़ी कड़क हो गई है, और आप देख सकते हो एक अलग सा कलर भी आ गया है। अब हम डालेंगे पानी। पानी इसके लिए भी डाल रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो हमारे मसाले हैं वो जलाना नहीं चाहते, और जो वेजीज है जो कुक हो गए हैं अभी आपको कुछ अलग ही दिखेगा गाइस। आप देख सकते हो कि मैंने जैसे पानी डाला तो कितना स्लो हीट हो गई है। मैंने अभी सब जो वेजीज है अच्छे से मिक्स कर रहा हूँ ये वाटर में, एंड आपको लगे कितना जूसी मैगी हो गया है, बट मेरे दोस्त पीछे अभी बाकी है। तो आप देख सकते हो मैंने जैसे पानी डाला एकदम नॉर्मल हो गया है। मैंने अपना जो गैस का हीट है वो हाई किया, देन मैं अभी सब स्टर कर रहा हूँ अच्छे से। एक बार ये सब अच्छे से स्टर हो जाए, जो भी मसाला है वो आ जाए, उसके बाद हम जो हमारा मैगी मसाला जो आता है मैगी के साथ वो डालेंगे। ये देखिए ये एक पहला मसाला एकदम है जो मैंने अभी ऊपर से डाल दिया, स्प्रिंकल कर रहा हूँ अच्छे से डाल दिया। मैगी मसाला का पैकेट काफ़ी छोटा होता है, बट जो उसका टेस्ट होता है वो आप सभी को पता ही होगा। ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसके घर में मैगी ना बने। सो उसके बाद आप डाल सकते हो ये दूसरा पैकेट, ये भी डाल दीजिए अच्छे से। आप देख सकते हो जैसे मैंने गैस की हीट आएगी तो सारे बबल्स आने लगे। अब इसको भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे, ये फुल ग्रेवी जैसा हो चुका है फिलहाल, तो आप देख सकते हो। देखिए अब ग्रेवी हो चुका है, हम इसे अच्छे से मिक्स कर रहे हैं क्योंकि जो मसाला है वो एक जगह जाके कहीं बैठ ना जाए और सब अच्छे से एक दूसरे में मिक्स हो जाए। आप देख सकते हो एकदम सूपी टाइप हो गया है, राइट। तो अब एक बार ये देख सकते हो ये मसाला अच्छे से मिक्स हो जाएगा, तो थोड़ा टाइम आपको गैस चालू रखना है और मिक्स करते ही रहना है, बिकॉज़ जो ये मैगी का मसाला है वो एक जगह पे जाके बैठ जाता है, तो उसके वजह से जो टेस्ट है कहीं अच्छा आता है, कहीं मज़ा नहीं आता, कहीं मसाला ज़्यादा हो जाता है। तो आप देख सकते हो ये एक बार जब अच्छे से मिक्स होने का सब जो वाटर है प्रॉपर बबल करने लगेगा, आप देख सकते हो। तो हम अब इसमें डालेंगे मैगी। आपको लगेगा कि इतना करने के बाद मैगी डाल के क्या फ़ायदा, बट मैं आपको बता दूँ अब भी असली टेस्ट आएगा, बिकॉज जो ये मैगी है वो जो पानी को ना अच्छे से कंज्यूम कर लेगा, एंड जो है मैगी है काफ़ी थिक हो जाएगा। तो आप देख सकते हो मैंने मैगी डाला तो मुझे स्टर करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, बट एनीवेज मैं कर लूँगा। और ये देखिए सब मैंने अच्छे से उसे वो ग्रेवी में मैगी को डुबा दिया अच्छे से। एक बार जब मैंने मैगी को डुबाया आप देख सकते हो कैसे कैसे पानी जो है वो मैगी का वो कम होने लगा है, बिकॉज जो ये मैगी है वो जो वाटर है वो एब्जॉर्ब करने लगे हैं, देख सकते हो। अभी आपको क्या करना है, जैसे आप मैगी डालें तो उसके बाद आपको अच्छे से स्टर करना है। पहले तो मैगी को सब अच्छे से पानी में मेल्ट हो जाने दीजिए, और उसके बाद आप देखिए थोड़ा थोड़ा आपको जो मैगी है थोड़ा कड़क होती है, तो इसे अच्छे से आपको पानी में एक बार मिक्स कर लीजिए, उसके बाद उसको आप अच्छे से स्टर कीजिए। आप देख लीजिए सब है प्रॉपर, तो उसके बाद आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और उसका रीज़न एक और है कि जैसे आप मैगी डालोगे ना तो आपको काफ़ी कम टाइम मिलेगा, बिकॉज आप देख सकते हो कैसे कैसे मैगी फटाफट पानी एब्जॉर्ब कर रहा है और सारे फ्लेवर मैगी में आने लगे, आप देख सकते हो। और अब ये ध्यान में रखना कि हीट वैसे ही रखना, बिकॉज ये कुछ जलना नहीं चाहिए, एक बार अगर ये जल गया तो थोड़ा टेस्ट ख़राब हो जाएगा, तो हीट अपने उसके हिसाब से ही रखना, बिकॉज मोस्टली मैगी जला हुआ कोई खाना पसंद नहीं करेगा। तो आप देख सकते हो ये कुछ इस तरह से दिख रही है, अभी फ़िलहाल मोस्टली काम हो चुका है, बस अभी कुछ थोड़े मोड़े बेसिक बोलते हैं ना सामान बाकी है, अदरवाइज़ मैगी ऑलरेडी रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हो कितनी प्यारी दिख रही है। अब हम इसमें कुछ डालेंगे ज़रूर, और जो है वो है एनी केसेस गाइस आप देख लो, पहले तो मैगी चेक कर लो, बिकॉज मैगी अगर प्रॉपर ये अच्छे से हमने मसाला कोटिंग कर लिया है मैगी के आगे पीछे ऊपर नीचे से, उसके बाद ही हम डालेंगे। और ये रहे कुछ पनीर के टुकड़े, आप देख सकते हो, और ये एकदम बेसिक पनीर के टुकड़े हैं। एक्चुअली हम लोग तो डेयरी से ही मंगाते हैं, बहुत जन अमूल का भी यूज़ करते हैं, तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से ये जो पनीर है आप मंगा सकते हो, एंड थोड़ा मेस भी हो गया है, बट एनी वेज टेस्ट वाइज अगर एपिक रहेगा तो हम मेस भी खा लेंगे, राइट ना गाइस। तो आप देख सकते हो ये मैंने डाल दिया पनीर, ज़्यादा टाइम स्टर नहीं करना है, अच्छे से करना है, बिकॉज ये टूट जाएगा। और ये रहा चीज़ क्यों, चीज़ क्यूब को मैंने ऐसे ही डाल दिया, घस के नहीं डाला गाइस, बिकॉज ये ब्रिटानिया का है तो थोड़ा चिपक जाता है, बट मैंने ऐसे ही डाला बिकॉज मैगी काफ़ी गर्म है तो वो उसमें अच्छे से मेल्ट हो जाएगा,
मेल्ट होने के बाद आप सॉल्ट चेक कर लीजिए, खा लीजिए। बिकॉज कैसा है कि बटर में भी सॉल्ट है एंड चीज़ में भी सॉल्ट है, तो माइट भी अगर ज़्यादा भी हो सकता है तो सॉल्ट उसी के हिसाब से डालिए। फिर उसके बाद एक बूंद, मतलब जिसे कह सकते हैं 2 स्पून टेबल स्पून खाली थोड़ा सा वाटर, बिकॉज जो हमारा मैगी है वो नीचे चिपके ना। और ये फाइनली आप देख सकते हो सब अच्छे से मैश हो गया है और एकदम थिक हो गई है मैगी। और अब बस एक ही चीज़ करना है, इसे खाना है। और खाने के लिए कुछ नहीं, एक मस्त प्यारी सी प्लेट और थोड़े से नमक में मिले हुए पनीर अच्छे से रोस्ट किए हुए, बस खत्म। ये रहा, दैट्स इट, वाला ये है मैगी। और अगर आप खाओ और अपना ओपिनियन शेयर करो गाइस, जो टेस्ट है मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने तो पनीर ऑलरेडी डाला है, ये जस्ट फॉर प्लेटिंग है, और मैं बता नहीं सकता इतना यमी मैगी था। और अगर आपको और सूपी करना है तो आप और पानी डाल सकते हो, बिकॉज ये अपने अनुसार, मेरे को तो ड्राई पसंद है। और अगर आपको सूपी खाना है तो आप सूपी की तरह डाल सकते हो। तो ये था मेरा चीज़ मैगी रेसिपी। और